मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनाएंगे, तो आप वीडियो में देखेंगे आज की जो मैक्रोनी है बिल्कुल अलग तरीके से बनी है, जिसे कि हमने मैगी और मैक्रोनी को साथ मिलाकर बनाया है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जब आप एक बार बना के खाएंगे तो मैगी और मैक्रोनी दोनों को एक साथ मिलाकर ही आगे से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैक्रोनी, एक पैकेट मैगी, पतली लंबी कटी हुई एक शिमला मिर्च, दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, तीन मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैक्रोनी और मैगी को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पे रखा है पैन, तो 2 से 2.5 गिलास के लगभग इसमें हम पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक लगभग आधी छोटी चम्मच, और इसी के साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप मैक्रोनी और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मैक्रोनी को हम पकाएंगे। आप इसे बराबर से चलाते रहें। और बीच बीच में इसे इस तरह चेक करते रहें कि ये पकी है कि नहीं। तो 7 से 8 मिनट इसे पकने में लगेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाथों से थोड़ा सा दबाकर चेक कर ले, मैक्रोनी जो है लगभग गल चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये बाद में भी पकेगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी 1 पैकेट, इस तरह तोड़कर इसमें डाल दें और बस 1 से 1.5 मिनट तक मैक्रोनी के साथ इसे हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा मैगी को भी हमें नहीं गलाना है, हल्की हल्की पक जाए बस उतना सा ही इसे पकाएंगे। और जब आपको लगे कि हल्की हल्की मैगी भी पक गई है तभी हम गैस को बंद कर देंगे और दोनों ही चीज़ों को पानी से निकाल कर बर्तन में अलग कर देंगे। यदि हम मैगी को मैक्रोनी के साथ उबाल देते तो मैगी जो है ज़्यादा पक जाती, इसलिए लगभग जब मैक्रोनी गल गई तब हमने मैगी को डाल के हल्का सा पकाया है। तो इसी तरह आप भी पकाएं। मैगी और मैक्रोनी को हमने बर्तन में निकाल कर रख दिया है। तो फिर से गैस पर रखेंगे हम पैन और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे, और जैसे ही पैन गर्म हो जाए 2 चम्मच के लगभग आप इसमें तेल डाल दें, तेल को अच्छे से गर्म कर लें। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दें और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए प्याज को हल्का सा भूनें, बहुत ज़्यादा प्याज को हमें नहीं भूनना है। तो जैसे ही प्याज हल्के से भून जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के हमने लिए थे, जिन्हें कि हमने बारीक बारीक कट किया है। आप चाहे तो टमाटर ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, जितना भी आप टमाटर खाना पसंद करें। साथ के साथ इसमें नमक भी ऐड कर देंगे जिससे कि टमाटर जो हैं जल्दी पकेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और बस चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर टमाटर को हम पकाएंगे। चाहे तो आप टमाटर को ढक के पका लें, नहीं तो इसी तरह खुले में ही आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए पकाएं कि टमाटर जो है हल्के हल्के से गल गए हैं। तभी इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और साथ के साथ ही ऐड कर देंगे मटर। तो यहाँ पर जो हमने इसमें मटर डाली है पहले से ही बॉयल है, तो बहुत ज़्यादा पकाने में समय नहीं लगेगा, अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैगी का मसाला। तो 1 पैकेट हमने मैगी डाली थी तो उसका जो 1 पैकेट मसाला है सारा इसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे।
और फिर बराबर से चलाते हुए सभी चीज़ों को एक से डेढ़ मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि जो टमाटर हैं और अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर, शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस और साथ के साथ ये ऐड करेंगे एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी और मैक्रोनी, जो कि हमने साथ में उबाल के रखी थी, और हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। और जब सारी चीज़ें एक साथ मैगी और मैक्रोनी के साथ मिक्स हो जाएं, तब हम इसे कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर एक से डेढ़ मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है मैगी और मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस एक से डेढ़ मिनट बाद इसे हम खोलेंगे, फिर से अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपने इस तरह बनाकर नहीं ट्राई की है तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा आज हमने मैक्रोनी और मैगी को मिलाकर बनाया है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।